हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये पत्ते डिजाइन है, ये देखिएगा। ये हमारी पत्ती बनती हैं, ये देखिए। ये जो हमारा डिजाइन है, ये हम किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, लेडीज़ के पे, यानी लेडीज़ के कार्डिगन पे, जैकेट पे, बेबी स्वेटर पे, टॉप पे, और ये जो हम फ्रॉक बनाते हैं उसके घेर पे। बहुत ही सुंदर सी हमारी ये पत्तियाँ बन के आती हैं, उभरी हुई सी, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये जो हमारा डिजाइन है, जितना दिखने में सुंदर है उतना ही ये बनाने में आसान है। ये जो हमारा डिजाइन है, ये हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। तो ये देखिएगा, तीन शुरू के जो तीन फंदे हैं वो हम सीधे बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे शुरू के हमने सीधे बनाए। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, हमने एक फंदा सीधा बना दिया और यहाँ पे हमने एक जाली डाल दी। फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये देखिए, बीच के हमने सात फंदे जो है सीधे लिए हैं। शुरू में हमने तीन फंदे सीधे लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे एक जाली डाली, एक फंदा हमने सीधा बनाया, उसके बाद फिर से हमने एक जाली डाली, उसके बाद हमने सात फंदे सीधे बनाए। अब हम जो ये आठवां फंदा है, यहाँ पे भी हम एक जाली डालेंगे, इसके इधर भी और इसके इधर भी, और फिर से हम ये सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये देखिए, फिर से हमने सात फंदे प्लेन निकाल लिए हैं। आठवें फंदे पे हमने इधर भी जाली डालनी है फंदे पे, और इधर भी डालनी है। ये देखिए, एक फंदा हमारा सीधा बन गया, एक इधर जाली है और एक हमारी इधर है। तो पहली सिलाई हमने पूरी इसी तरह से निकालनी है। शुरू में हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, फिर हमने एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर से हमने जाली डालनी है, उसके बाद फिर हमने सात फंदे सीधे बनाने हैं। आठवें फंदे पे फिर से हमने एक जाली डालनी है, इसके इधर भी और इसके इधर भी। फिर से हमने सात फंदे बनाने हैं सीधे, और उसके बाद आठवें फंदे पे फिर से हमने एक इधर और एक इधर जाली डालनी है। फिर से हम सात फंदे सीधे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। फिर से हमारा आठवां फंदा आ गया है, तो इसके हम इधर भी जाली डालेंगे और इसके इधर भी जाली डालेंगे। अब ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। फिर से हमने सात फंदे प्लेन निकाल लिए हैं। अब फिर से हम आठवें फंदे पे जाली डालेंगे, ये देखिए, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे हमने इधर सीधे रखे थे शुरुआत में, और लास्ट में भी हम तीन फंदे सीधे रखेंगे। ये देखिए, एक एक फंदा हमने आठवें फंदे पे बढ़ा लिया है। अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, हमारी इधर जाली आ गई है, तो उससे पहले हमने उल्टी सिलाई में भी एक जाली डालनी है। यहाँ पे भी हम एक जाली डालेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से हम एक जाली डालेंगे, जाली के बाद ही हम एक और जाली डालेंगे। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये देखिए, फिर से हमारी यहाँ पे जाली आ गई है, उससे पहले ही हमने एक जाली और डाल लेनी है। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा हमने उल्टा बना लिया है, उसके बाद हमने एक और जाली डाल लेनी है। बीच के सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ गया है, उससे पहले ही हम एक जाली डाल लेंगे और तीन फंदे अब उल्टे बनाएंगे। जाली वाला फंदा है, ये देखिए, हमने उल्टा बना लिया है, उसके बाद हम एक और जाली डालेंगे और सात फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हमारी जाली आ गई है, एक अब हम एक और जाली डालेंगे और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, जाली वाले को भी हमने उल्टा बना लिया है, उसके बाद हम जाली डालेंगे। हमने दोनों तरफ ही जाली डालते हुए जाना है, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। लास्ट के तीन फंदे
उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए दो सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी तीसरी सिलाई पे। तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये देखिए हमारी दो जाली आ गई हैं। तो अब हमने फिर से हमने यहाँ पे जाली डालनी है, आगे धागा करेंगे और ये एक दो तीन चार और ये पाँच, पांच फंदे हमने बना लिए हैं। फिर से हम यहाँ पे धागा आगे करेंगे और एक जाली डाल देंगे। बीच के फंदे हम सीधे प्लेन निकालेंगे। ये देखिए फिर से हमारी इधर जाली आ गई है, तो फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे। ये देखिए फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे और सात फंदे प्लेन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जाली का फंदा है, उससे पहले ही हम एक और जाली बनाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे फिर से हमने यहाँ जाली डालनी है और बीच के फंदे प्लेन बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ फिर हमारी जाली आ गई है, उससे पहले ही हम एक जाली डाल लेंगे, बीच के फंदे जो है वो हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया। उसके बाद हमने जाली डालनी है। शुरू में हमने जाली वाले फंदे से पहले ही जाली डालनी है और लास्ट वाले में हमने जो जाली वाला फंदा है उसको बनाने के बाद हमने जाली डालनी है। सिर्फ हमने यही ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, तो इससे पहले ही हम जाली डालेंगे, बीच के फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए अब हमारा जो ये जाली का फंदा है, हमने यहाँ ये वाला फंदा बना लिया है, उसके बाद हम ये जाली डालेंगे। ये देखिए अब आ गए हम अपनी उल्टी सिलाई पे। एक दो तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए हमारा जाली वाला फंदा आ गया है, तो यहाँ पे भी हम एक जाली डालेंगे और बीच के फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए फिर से हमारा ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया है। फिर हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और बीच के जो हमारे सात फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है। ये देखिए जाली वाला फंदा हमने बना लिया है। फिर यहाँ पे एक जाली और डालेंगे और बीच के फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है। ये देखिए फिर से हम ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया। फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे। ये देखिए फिर से हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया है, तो यहाँ पे फिर से हमने जाली डाल दी। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे और बीच के सात फंदे उल्टे बना लेंगे। बहुत ही ईजी सा हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है। अब हमारे तीन फंदे बचते हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे। अब ये देखिए हमारी कितनी जाली आ गई हैं, एक दो तीन और ये चार। हमने टोटल की इसमें पांच जालियाँ डालनी हैं। हमारे जो अंदर के ये फंदे हैं ये हमारे टोटल के 11 फंदे होने चाहिए। ये देखिए दो दो चार दो छः और दो आठ, आठ फंदे हमारे हो गए हैं। अब नौ, ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे जाली डाल दी है और सीधे फंदे बीच वाले फंदे हमने सीधे बना दिए हैं। फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे। अब ये देखिए कितनी जाली आ गई हमारी, दोनों साइडें हमारी टोटल की पांच पांच जाली होनी चाहिए, पांच इधर और पांच इधर। ये देखिए एक दो तीन चार
और एक हमारी ये बन गई है पाँच। तो टोटल की ये देखिए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस और ये ग्यारह। ग्यारह फंदे हमारे इन तीन को छोड़ के यहाँ तक हमारे ग्यारह फंदे पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए, फिर से हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है, आगे धागा करेंगे और यहाँ पे जाली डाल लेंगे, बीच के फंदे हम प्लेन निकालेंगे। ये देखिए, फिर से यहाँ पे आगे धागा करेंगे और यहाँ पे एक जाली डाल देंगे। तो पांच पांच जालियाँ हमने दोनों साइड डालनी है, टोटल के हमने ग्यारह फंदे करने हैं। ये देखिए, फिर से हम एक दो तीन चार और एक ये आ गई पाँच, पाँच जाली हमारी कंप्लीट हो गई हैं। फिर से यहाँ पे एक जाली डाल देंगे, बीच के साथ फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से जाली डालेंगे, ये देखिए जाली वाला फंदा हमने बना लिया है। फिर से हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और बीच के फंदे हम प्लेन बनाएंगे। देखिए जाली वाला फंदा आ चुका है, यहाँ से पहले ही हम जाली डाल देंगे। इधर हम जाली वाला फंदा बनाने के बाद जाली डालेंगे। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया है, अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे। अब उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है इधर, क्योंकि हमारी पांच पांच जालियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और 11 फंदे हमारे आ चुके हैं। तो उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाँच पाँच जालियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, पाँच हमारी इधर और पाँच हमारी इधर। ये देखिए, एक दो तीन चार और ये पाँच। तो प्ले एक सिलाई हमने प्लेन निकाल दी है। अब ये देखिए, तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये देखिए, एक दो तीन और ये चार। तीन फंदे बनाने के बाद फिर हमने चार फंदे सीधे बनाए। अब ये देखिए, जो हमारा ये बीच का फंदा है, ये वाला जो हमारा ये बीच का फंदा है, यहाँ पे हम तीन फंदों का एक कर देंगे। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे, पीछे की साइड से ये देखिए, एक हम फंदा जो ये बीच वाला फंदा है इसको छोड़ के एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का हम लेंगे और इन दोनों को बनाएंगे पीछे की साइड से। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे उठाएँगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए, जैसे हम गले का बनाते हैं वैसे ही ये देखिए एक लंबी सी, ये देखिए चैन सी आनी शुरू हो चुकी है। अब हम चार फंदे फिर सीधे बनाएंगे, दो तीन और ये चार। चार ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हमारा जो डिजाइन है। अब ये देखिए, हमने चार चार फंदे बनाए हैं, अगली बार हमने ये तीन तीन फंदे बनाने हैं। तो हमारा अब जो हमारे यहाँ पे फंदे बड़े थे वो हमने यहाँ पे घटाने शुरू कर दिए हैं। इस डिजाइन में ये है कि इसमें थोड़ी सी ऊन जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन डिजाइन जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने फिर बना लिए हैं सीधे। अब ये देखिए, जो हमारा ये बीच वाला फंदा है, इसके इधर का फंदा और एक इस हमारे इधर का फंदा, दोनों को हम पीछे की साइड से ऐसे उठाएँगे और दोनों को ऐसे बना लेंगे। बीच वाले फंदे को अब उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो ये देखिए, हमारी लंबी सी ये चैन बन के आ गई है। अब एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने फिर से हमने डिजाइन के बना लिए हैं, बीच के साथ फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो ये बीच के चार सात फंदे हमारे सीधे आ गए हैं। अब एक दो तीन और ये चार, ये देखिए, फिर से हमारा ये फंदा जो है बीच का है, तो यहाँ पे फिर से हमने तीन फंदों का एक करना है। तो पीछे की साइड से हम ऐसे फंदा
एक इधर का और एक उधर का, दो फंदे ऐसे उठाएंगे और पीछे की साइड से दोनों फंदों का एक करेंगे, आगे वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए इस तरह से चार फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। अब ये प्लेन वाले सात फंदे बनाएंगे। ये देखिए सात फंदे बनाने के बाद फिर से हमने चार फंदे सीधे बनाने हैं, दो तीन और ये चार। ये देखिए बीच वाला जो हमारा ये फंदा है इसके एक इस साइड का और एक इस साइड का, ये देखिए दोनों का एक एक फंदा हमने उठाना है और पीछे की साइड से दोनों फंदों का एक कर देना है। आगे वाले बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे ऐसे गिरा देंगे। तो ये देखिए एक चैन सी बन के आ गई है, एक दो तीन और ये चार फंदे हमने सीधे बना दिए। बीच के सात फंदे अब हम बनाएंगे। ये देखिए फिर से एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने बना दिए हैं। ये देखिए ये हमारा बीच का फंदा है तो इनका हमने तीन फंदों का एक करना है। तो दो फंदे हम ये देखिए पीछे की साइड से ऐसे एक इस साइड का और एक इस साइड का हमने उठा लिया है, दो फंदों का एक कर दिया। बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हम एक दो तीन और ये चार, ये हमारे डिजाइन के हो गए और ये हमारे प्लेन वाले फंदे हैं, इनको हम सीधा बना लेंगे। अब आइए अब आ गए हम उल्टी सिलाई पे। जैसे हमने उल्टी सिलाई पे बढ़ाए थे वैसे ही हमने उल्टी सिलाई पे अब घटा लेने हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये अलग से ही हमारी जो फली है वो नज़र आ गई है। तो एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, उल्टी साइड में भी हमने तीन फंदों का एक ही करना है। तो क्या करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे निकाल लेंगे और ये फली वाला फंदा हम आगे लेके आएंगे। इस वाले फंदे को हम ऐसे सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम उल्टी सिलाई में भी तीन फंदों का एक करेंगे। ये देखिए दो और एक ये तीन, तीन फंदे, तीन फंदों का हमने एक कर दिया है। ये देखिए ये फली का हमारा फंदा जो है वो सीधा ही आ गया है। अब हम बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से हमारा ये जो फली वाला फंदा है ये आ गया है। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे और फली वाले फंदे को हम आगे लेके आएंगे इस तरह से, और तीनों फंदों का हम एक कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, बीच के हमारे टोटल के तेरह फंदे हैं। तो ये देखिए फिर से हमारा ये तीन फंदों का एक करना है। तो फली वाले फंदे को हम ऐसे आगे लेके आएंगे और तीन तीनों का हम उल्टी सिलाई में एक कर देंगे उल्टे पे ही। ये देखिए फिर से हम तेरह फंदे जो है बीच के उल्टे बना लेंगे। फिर से ये देखिए हमारी फली का फंदा आ चुका है। तो इस वाले फंदे को हम ऐसे, फली वाले को हम ऐसे आगे लेंगे और आगे वाले फंदे को हम पीछे लेंगे। अब तीनों फंदों का एक कर देंगे, बीच के फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से हम ये फली वाला फंदा जो है इसको आगे लेके आएंगे इस तरह से, और तीनों फंदों का उल्टे पे एक कर देंगे। बाकी फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे।
तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब ये देखिए, अब हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं, एक और ये दो। अब ये देखिए, ये हमारा फली वाला फंदा आ चुका है, अलग से ही दिखने लग गई है। अब फिर से हमने तीन फंदों का एक करना है। तो ये देखिए, पीछे की साइड से सीधे में हमने पीछे की साइड से ऐसे तीन फंदों का एक करना है और बीच वाला फंदा उठा के इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। ये देखिए, इस तरह से एक लंबी लुप्पी सी हमारी आ गई है, चैन जो है वो आ गई है। बाकी बीच के फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, डिजाइन के दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। ये देखिए, जो हमारी ये बीच की चैन आ गई है, फिर से हमने तीन फंदों का एक करना है। तो ये देखिए, ऐसे उठाएंगे बीच वाला फंदा और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। बाकी फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। तो ये देखिए, फिर से हमारी ये चैन आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी हम तीन फंदों का एक करेंगे। पीछे की साइड से ऐसे दो फंदे लिए, बीच वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। आगे के फंदे हम प्लेन बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हम यहाँ पे तीन फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, पीछे की साइड से हमने दो फंदे ऐसे लिए और दो फंदों का एक कर दिया। बीच वाला फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए, अब आगे के फंदे हम फली तक सीधे बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हमारी ये चैन आ गई है। अब हम फिर से तीन फंदों का एक करेंगे। पीछे की साइड से दो फंदों का एक करेंगे, बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। बाकी फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब आ गए हम उल्टी साइड, एक दो और ये तीन। तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं, एक फंदा और हम उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए, फिर से हमारी ये चैन आ गई है। तो चैन वाले फंदे को हम आगे लेके आएंगे इस तरह से, पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले को हम पीछे कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम तीन फंदों का एक करेंगे इस तरह से। बाकी फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, फिर से हम ये चैन वाला फंदा जो है वो आगे लेके आएंगे और उल्टे में ही तीन फंदों का एक कर देंगे। तो इसी तरह से आप भी बना लीजिए। ये देखिए, फिर से हमारी ये चैन आ गई है। तीन फंदों का एक किया, बाकी फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा चैन वाला फंदा आ चुका है। तो इसको हम आगे लेके आएंगे और उल्टे में ही तीन फंदों का एक कर देंगे। जहाँ हमारे फंदे बड़े थे, वहीं हमारे दोनों सिलाइयों में घट गए हैं। चैन वाले फंदे को हम आगे लेके आएंगे और उल्टे में ही तीन फंदों का एक कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारा तीन फंदों का हमने एक करना है। तो ये देखिए, ऐसे दोनों का पीछे की साइड से दोनों फंदों का एक करेंगे, बीच वाले फंदे को ऐसे इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए, बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, फिर से हमारी ये चैन आ गई है।
तो तीन फंदों का फिर से हम एक करेंगे, पीछे की साइड से दो फंदे उठाएंगे और दोनों का एक किया, ये देखिए बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए फिर से हमारी ये चैन आ गई है, तो पीछे की साइड से हम ये देखिए दो फंदों का एक करेंगे, बीच वाले को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए चैन आ गई है, पीछे की साइड से दो फंदों का एक करेंगे, बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे फंदे जो है घट चुके हैं, अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, उल्टी सिलाई जो है वो हमने सारी उल्टी उल्टी ही बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमारे सारे फंदे यहाँ पे घट चुके हैं, तो हम आ गए हैं उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी ही बनती है, तो इसको आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी इसको बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला डिजाइन। ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ये उभरी उभरी सी पत्तियाँ नज़र आने लग गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली पत्ती है जो ये वाली पत्ती जो है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट करनी है इनके बीच में। तो एक बार मैं आपको शिफ्ट करके बता देती हूँ। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। तो ये देखिए जो हमारे ये बीच में हमने सात फंदे रखे थे वही सात फंदे हमने यहाँ पे रख लिए हैं, और आठवें फंदे पे फिर से हम ये जाली डालेंगे, एक फंदे के इधर और एक फंदे के इधर। फिर से हम ये सात फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः और ये सात। आठवें पे फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे, एक इधर और एक इधर। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। सात फंदे हमारे सीधे आ गए हैं। आठवें पे फिर से हमने जाली डालनी है, एक फंदा हमारा जो ये बीच का है, एक हमारे इधर जाली आएगी और एक हमारे इधर जाली आएगी। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठवें पे हमने फिर से जाली डालनी है। तो ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे जाली डाल दी है और सात फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। तो इसी तरह से आप अब पांच पांच जालियाँ जो हैं डालेंगे, एक एक जाली हमारी इधर आ चुकी है, तो पांच पांच जाली और हम डालेंगे, तो इसी तरह से हमारा ये डिजाइन बनता हुआ नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन के आया है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।